सुखी लैंगिक जीवन का मंत्र, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग काफी पूछते रहते हैं कि भाई अच्छा सेक्स लाइफ हमें करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, सेक्स लाइफ बहुत दिन तक, सालों तक चलना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल लोग पूछते रहते हैं। देखिए, इसमें दो मेन टॉपिक है, दो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको सेक्स प्रॉब्लम आती है। एक तो क्या है कि फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक कुछ तो भी प्रॉब्लम है, शरीर फिट नहीं है और उसके वजह से आपको सेक्स प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, कि जिसकी वजह से आपको सेक्स प्रॉब्लम आ रही है। मेनली ये दो है। अब शारीरिक जो है, मतलब फिजियोलॉजिकल या फिजिकल, तो वो यदि आप फिट रहे तो फिर आपको सेक्स प्रॉब्लम आने का कोई कारण नहीं, लैंगिक समस्या का कोई कारण नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, वजन एकदम कम है, मतलब जितना चाहिए उतना ही, बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा टमी है, पेट बड़ा हुआ है, फैट बहुत जमा हुआ है, फिर आपको डायबिटीज़ है, शुगर बहुत ज़्यादा है, उसकी आप गोली खा रहे हैं तो उसमें नर्व्स डैमेज होती है, फिर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, उसकी आप दवाई खा रहे हो और उसके वजह से फिर जो खून की नलियाँ, अंदर का स्तर जो है वो डैमेज हो चुका है, तो ऐसे या काफ़ी सारा मतलब कहीं पीछे मार लगी हुई है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स की जिसके मतलब जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, तो उसके वजह से आपकी मूवमेंट ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम जो है कि जिसके वजह से आपको फिजियोलॉजिकली आपको फिटनेस नहीं और आप प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि आपको दम आ रहा है, मतलब दम भर के आ जाता है और दम भर के आ जाते फिर आप सेक्स नहीं कर पाते, या आपने आपको डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, सेक्स का जितना एक्सर्शन होता है वो भी मत करो, तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है नंबर एक। और उसके लिए फिर टाइम टू टाइम योगा आप करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस, मेडिटेशन, प्राणायाम, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट जिसमें काफ़ी सारे विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन के, जिंक, एल अर्जिनिन जो है, जो वाटरमेलन में रहता है, तरबूज जिसमें रहता है एल अर्जिनिन, जिसको इंडियन वायग्रा बोलते हैं, तो वो, तो ऐसे आप सब बैलेंस डाइट, प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हो आप, फैट और प्रोटीन्स, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, फिजिकली फिट आप रह सकते हो। नींद टाइम टू टाइम लेना, 7-8 घंटे आप नींद लेते हो। साइकोलॉजिकल में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, फिर परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी, मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में बन नहीं रही है, जम नहीं रही है, बहुत झंझे झगड़ा चालू है, और उसमें फिर मतलब ठीक नहीं, वो नहीं बोलती है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, थकान है, साइकोलॉजिकल थकान, फिजिकल थकान, दोनों भी, तो ऐसे इसमें आपको ये यदि आप बराबर रखते हैं, दिमाग शांत रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ चलेगा। हफ्ते में एक बार जब भी मिनिमम आप करते हो तो आपका बराबर चलते रहेगा, बहुत ज़्यादा गैप रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आता है। क्या होता है कि 35-40 की उम्र में लोग फिर बाद में गैप देते हैं, बिजनेस का टेंशन, सर्विस का टेंशन, उसका टेंशन, इसका टेंशन, फिर नहीं होता है, या फिर प्राइवेसी नहीं है, तो फिर उसमें गैप बढ़ जाती है। तो मैं हरदम ये बोलता हूँ कि हफ्ते में एक बार तो भी होना चाहिए, और आप एक हफ्ते में एक बार करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि यूज़ इट और लूज़ इट, यदि आप यूज़ करते तो लूज़ नहीं करोगे, यूज़ करो उसको तो बराबर मेंटेन रहेंगे और काफ़ी सालों तक आप सेक्स कर सको। यदि आप इसका पालन करते हैं डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत ही पावरफुल चलेगा, बहुत साल तक आप कर सकोगे, और यदि सेक्स लाइफ अच्छा चल रहा है तो लाइफ अच्छा चलता है। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें आप हमारे यहाँ मेंटल पेशेंट्स को लाके भर्ती कर सकते हैं, शराबी है, गांजा, अफीम, चरस वाले पेशेंट, मंदबुद्धि के पेशेंट, बुजुर्ग लोग जिनको डिमेंशिया हुआ है, मारपीट, अग्रेसिव पेशेंट, तो उनको आप भर्ती कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती कर सकते हैं, पेट विकार है, एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ऐसे सब पेशेंट हमारे यहाँ आप भर्ती कर सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन हम करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेक्स एंड मानस चैनल यूट्यूब पर चालू किया हुआ है, आप वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उसके ऊपर जाइए, आपको सभी प्रकार के सेक्स के बारे में जो वीडियोज़ हैं वो सब मिल जाएंगे वहाँ, और एक जगह सब मिल जाएंगे, तो ज़रूर वो चैनल आप देखिएगा, सेक्स एंड मानस, डॉक्टर दीपक केळकर, ऐसा आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।